आप लोगों को याद होगा फरवरी का वो महीना जब राजस्थान के घाटमिका गांव के दो व्यक्ति जुनैद और नासिर की बोलेरो गाड़ी में कथित तौर पर जलाकर हत्या कर दी गई थी। उसी मामले में एक ताज़ा अपडेट आई है। क्या अपडेट है? अपडेट ये है कि राजस्थान पुलिस ने 21 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। उसमें बजरंग दल के सदस्य मोनू मानेसर का भी नाम शामिल है। वही मोनू मानेसर जिसको लेकर जुनैद और नासिर का परिवार पहले दिन से मांग कर रहा है कि जुनैद और नासिर की मौत के पीछे मोनू मानेसर और उसके साथियों का हाथ है। नमस्कार, मेरा नाम याकूत अली है। कैमरे के पीछे हैं देवीदत्त। भरतपुर के SP श्याम सिंह ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि इन 21 लोगों पर सबूत मिटाने, मामले में फरार चल रहे आरोपियों की वित्तीय मदद करने और उन्हें पनाह देने का आरोप है। राजस्थान पुलिस ने 21 मई को जिन आरोपियों को नामजद किया है उनमें मोनू मानेसर, लोकेश सिंगला, विशाल जेबली, बादल, शिवम तुषार, राजवीर प्रवेश और रविंदर सुखविंदर, आशु, रमेश उर्फ मेसा, भोला मनोज, योगेंद्र आचार्य, आज़ाद आचार्य, दीपक, संजय परमार, नवीन, भोलू और देवी लाल का नाम शामिल है। इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। 14 अप्रैल को मोनू राणा और गोगी को अरेस्ट किया गया था। मोनू राणा की गिरफ्तारी को आपको बता दें कि ये जो गिरफ्तारी हुई थी मोनू राणा की, ये उत्तराखंड से हुई थी। उससे पहले 17 फरवरी को रिंकू सैनी को गिरफ्तार किया गया था। रिंकू सैनी पहला वह व्यक्ति है जिसकी इस मामले में गिरफ्तारी हुई थी। पुलिस ने 16 मई को तीनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। मोनू मानेसर ये वो नाम है जो कई महीनों से, या मैं कहूँ कई सालों से, हरियाणा में चर्चा में है, जो कि लगातार YouTube पर वीडियोस में भी आपको नज़र आता है और Instagram पर भी नज़र आता है, जो कि जिन लोगों को मारता है उनकी वीडियो बनाते हुए भी नज़र आता है। जुनैद और नासिर की जब हरियाणा के भिवानी में हत्या हुई थी उसके बाद ये नाम राजस्थान में भी चर्चा का विषय बन गया। 4 महीने पहले आपको याद होगा जब राजस्थान के घाटमिका गांव के दो व्यक्ति जुनैद और नासिर की कथित तौर पर गाड़ी में जिंदा जलाकर हत्या कर दी गई थी हरियाणा के भिवानी में। नासिर की उम्र सिर्फ 25 साल थी और जुनैद की उम्र 35 साल थी। गांव वाले आरोप लगाते रहे कि दोनों की मौत का कारण मोनू मानेसर की गैंग है। जुनैद और नासिर के परिवार ने जो पुलिस में शिकायत दर्ज की थी उसमें भी वो यही कह रहे थे कि मोनू मानेसर और उनके सहयोगियों ने मिलकर जुनैद और नासिर की हत्या की है। जुनैद और नासिर का पहला ऐसा वाकया नहीं है जिसमें मोनू मानेसर का नाम सामने आ रहा हो। इससे पहले उमर की हत्या में भी उसका नाम सामने आया था और उससे पहले भी कई हत्याओं में मोनू मानेसर का ही नाम सामने आया था। जब जुनैद और नासिर की हत्या हुई और जब मोनू मानेसर का नाम सामने आने लगा, दूसरी तरफ मोनू मानेसर ने इन सभी आरोपों से इनकार कर दिया। उस वक्त जब ये घटना हुई थी तब उन्होंने एक वीडियो जारी करके क्या कहा, आइए सुनवाते हैं। ऊपर लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है। बजरंग दल की कोई टीम वहां पे नहीं थी और वो घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो हमने सोशल मीडिया से पता लगा है। जो भी व्यक्ति हो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे कोई भी हो, उसमें कोई भी दोषी बख्शा ना जाए। और उसमें मैं और मेरी टीम, बजरंग दल की कोई भी व्यक्ति उसमें नहीं है और जो भी व्यक्ति इसमें है उस पर सख्त से सख्त प्रशासन कार्रवाई करे। और पूरे पुलिस प्रशासन से मैं कहना चाहता हूं और लोगों से भी कहना चाहता हूं, पुलिस का सहयोग करें और हम भी पुलिस का सहयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन जो भी नाम दिए गए हैं वो बिल्कुल निराधार है। जो भी जांच है उसमें जांच करके और दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हम बिल्कुल सहयोग करेंगे। जब मोनू मानेसर का FIR में नाम आया तब हमने नासिर और जुनैद के परिवार से बात की। आइए सुनवाते हैं कि नासिर के भाई ने हमें क्या बताया। हम तो यही कहना चाह रहे हैं, नाजायज मारा गया सर हमारे भाई को, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जब तक ये गिरफ्तार नहीं हो जाए तो जब तब तक हमें सर चैन तो मिलेगा नहीं। उसी दिन से जा रहे हैं हम भी, अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, हाई कोर्ट भी जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट भी गए थे तो सेशन कोर्ट में भी जा रहे हैं। तो सर शांति तो, दिल को सुकून तो तभी मिलेगा, तभी गिरफ्तार हो जाएंगे। ये अन्याय हुआ सर, हमारे साथ न्याय होना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। बेकसूर लोगों को मारा गया है और इस तरह मारा गया है। हमने नासिर के भाई से ये भी पूछा कि क्या वो प्रशासन की कार्रवाई से खुश हैं, प्रशासन से उनका सहयोग कैसा है, क्या उन्हें प्रशासन से बराबर अपडेट मिल रही है, क्या वो कहते हैं।
फिर उन्होंने आश्वासन दिया, हमने जब ये दो मुलजिमों को लाए थे, पेश किए थे वहां, तो हमने ये बोला था सर आपका धन्यवाद, आखिर अभी तो हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, अभी तो एक शुरुआत है, हम लाइन लगाएंगे जल्दी कामयाब होंगे। संतुष्ट तो सर अब क्या करे, भरोसा तो करना ही पड़ेगा, यही सारा पुलिस प्रशासन का हमारा, जैसे विश्वास दिलाया भरोसों पे खरा उतर जाए तो ये बहुत बड़ा सहारा है। अब हमारा जी आदमी तो वापसी आ नहीं सकते, अब लास्ट हथियार यही है कि हमें इंसाफ मिल जाए, वो दरिंदे उनको सजा हो जाए। हाँ गांव में सर अभी गुस्सा है, अभी तो है रोष, तो ऐसी मौत हुई सर जो नाजायज आदमी गए, अब गाय के नाम पे किसी को भी उठा के ऐसे निर्मम तरीके से मार दें, सर दुख तो होता ही है, पूरे गांव में आक्रोश है, रोज है। अभी थोड़ा जब ये लिस्ट आई है तब जाके थोड़ा सुकून सा मिला है, लेकिन अभी इंसाफ मिल जाएगा पूरा तब जाके इत्मीनान आएगा। इसके अलावा हमने जुनैद के परिवार से भी बात की। जुनैद के परिवार से हमारी वीडियो पे बात नहीं हो पाई। उनके परिवार का कहना है कि उन्हें अभी भी पुलिस की कार्रवाई से संतुष्टि नहीं है। उन्हें तभी संतुष्टि होगी जब सभी आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे। मानेसर हरियाणा के रहने वाले मोनू पिछले करीब 10 साल से बजरंग दल से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा वो गौरक्षक दल का भी हिस्सा हैं। यूट्यूब पर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए उन्हें कई वीडियोस में देखा जा सकता है जिसमें वो उन वाहनों को दादागिरी से रोकते हुए नजर आते हैं जिनमें लोग गाय को लेकर जा रहे होते हैं। व्यक्ति अगर मुसलमान हो तो उसको इतना पीटा जाता है कि उसकी मौत भी हो जाती है और अगर व्यक्ति हिंदू हो तो उससे ये गौरक्षक पैसा लेकर उसे छोड़ते हैं या फिर उसे जेल में बंद कराने की धमकी देते हैं, ऐसा हमें लोगों ने बताया। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल ठीक सुना, पैसा लेकर छोड़ दिया जाता है। इसके बारे में आपको अभी डिटेल में बताता हूँ। हाल ही में कुछ किसान अपने बैल को लेकर हरियाणा से राजस्थान के नागौर जा रहे थे। राजस्थान के नागौर क्यों जा रहे थे? राजस्थान के नागौर में पशुओं का मेला लगा था, उसमें जा रहे थे। ध्यान से सुनिए, अब जब वो हरियाणा हिसार के पास के एक टोल प्लाजा से निकल रहे थे तब उस टोल से उनके पीछे एक गाड़ी लग जाती है जो उन्हें आगे जाकर रोकती है। उन किसानों के साथ हिंसा की जाती है, उन्हें पीटा जाता है। किसान कहाँ जा रहे थे हमने आपको बताया, किसान नागौर के मेले में जा रहे थे। आगे की कहानी आप संदीप जी से सुनिए। संदीप जी जाट किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं। मेरे पास रात को करीब 3 बजे मैं फोन आता है किसान का कि मेरे बैल रोक रखे हैं। मैं मेरे पास ही का लगता गांव है। वो किसान अपने बैल लेके जा रहा था नागौर के मेले में। नागौर का मेला पशुओं का मेला, साप्ताहिक मेला है वो, 1 सप्ताह तक चलता है और बड़ा फेमस मेला है। और नागौरी जो बैल होते हैं उनकी बड़ी डिमांड होती है, तो हमारे इलाके के किसान उन बैलों को पाल के लेके जाते हैं उस मेले में बेचने के लिए। ये जो किसान है ये घरेलू तौर पे बैल तैयार करता है, जैसे कि बच्चे हैं उनके खुद के, उनको तैयार करता है और नागौर के मेले में बेचने के लिए जाता है। तो ये उस दिन जा रहा था और रात को ये 11 बजे घर से चला और घर से करीब 50 किलोमीटर चलने के बाद में इनको हमारा एक टोल पड़ता है लांदड़ी चिकनवास टोल, उससे 20 किलोमीटर आगे इनकी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा के रोक लिया। उसमें से भी 2 आदमियों का, तो जैसे कि 5-6 लड़के और थे उनके साथ में, 2 आदमी बाय नेम जिनके नाम पर्चा दर्ज है वो निकलते हैं और वो बोलते हैं कि भाई आप कहाँ लेके जा रहे हो। तो उसने किसान ने बताया कि मैं नागौर मेले में बैल लेके जा रहा हूँ। बोले आप ऐसे नहीं ले जा सकते हो। तो उस किसान ने, गांव का जो सरपंच है उसने बाकायदा लिख के दिया था अपने लेटर पैड पे, पंचायत के लेटर पैड पे, कि ये इसी तरह ये किसान और ये अपने बैल, मैं इसको जानता हूँ, ये मेरे गाँव का निवासी है और ये अपने बैल नागौर के मेले में लेके जा रहा है। उन्होंने वो दिखाया उसको लेकिन वो फिर भी नहीं माने और उसके साथ, किसान के साथ उन्होंने गाली गलौज करनी शुरू कर दी, उसके साथ उन्होंने मारपीट करनी शुरू कर दी। उस किसान की एक उंगली थी वो बिल्कुल मरोड़ दी। और उसके बाद में उनका कोई एक साथी वो आके कहता है कि गाड़ी के पीछे ले जाकर कि आप ऐसे ऐसे हमको पैसे दे दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। उन्होंने 10,000 रुपए की डिमांड की। तो किसान ने ये कहा कि भाई मैं छोटा जमींदार हूँ, मेरे पास 1,000 रुपए है और मैं ये पैसे मेरे लिए, मैं मेरे में लेके जा रहा हूँ, मेरा काम कैसे चलता, मेरे पास कोई पैसा नहीं। वो किसान डर जाता तो कहता तो उन्होंने बाद में फिर ये डर लगा भी ये पैसे तो दे नहीं रहा, तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया। पुलिस को बुलाने के बाद में पुलिस आई और जो
सब इंस्पेक्टर है एक दिनेश शर्मा, थाना सदर हिसार लगता है हमारे, तो वो बोलता है कि आते ही पुलिस भी आते ही बोलती है कि ये दिखाई दे रहा है कि ये किसान है, ये दिखाई ये इसके बैल कटने रहती है और ये मेले में लेके जा रहे हैं और आप इसे जाने दो। ये वो जो गोरक्षक के नाम जो लोग थे उनको बोलता है ये, तो वो नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि आप भी इन लोगों के साथ मिले रहे हो, पुलिस को बोलते हैं वो। उसके बाद में वो फिर मैंने कहा भी आप मेरी बात करा दीजिए किसी से, मैं बोल दूंगा उनको, लेकिन उन्होंने उससे पहले वो गाड़ी थाने में लेके जा चुके थे। किसान से आप सुबह हम आते हैं फिर बात करेंगे, सुबह हम फिर अपने की पगड़ी से मार देता कि और हमें छोटी से छोटी भी किसान के मुद्दे की समस्या को लेकर लड़ते हैं। संगठन के लोग थाने में इकट्ठा होते हैं और बात करते हैं, हम जब लगता है अभी पुलिस को सुन नहीं रही है तो हम धरना लगा के बैठ जाते हैं और फिर नारेबाजी शुरू हो जाती है। उसके ठीक 10 मिनट बाद में SHO आता है, तो हम SHO को बोलते हैं कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, DSP को बुलाओ। तो उसके बाद में SP साहब आते हैं, हमने उनको कहा भी ये मामला है और इस तरह आप FIR दर्ज करो कि आप कैसे रोक सकते हो एक किसान को अपने बैल लेके जाते हुए, आपका वो कौन सा परमिशन, आपके पास कौन सी सुप्रीम कोर्ट की फैक्स आई हुई है जो आप ये बोल रहे हो कि भी आप नहीं ले जा सकते, या आप ये बोल रहे हो भी सरपंच की क्या हिम्मत है वो लिख के दे देगा एक चुने हुए प्रतिनिधि के लिए, तो आप ये बोल रहे हो भी आके आप कैसे लिख के दे रहे हो, लेकिन आपके पास क्या पावर है भाई आप किसी की गाड़ी को रात को 1 बजे रोक रहे हो। आओ किसान से, किसान ने शिकायत दी और 7 आदमियों पे बाई नेम पर्चा दर्ज हुआ, जिनमें से 5 अननोन और 2 बाई नेम, 7 आदमियों पे हमने पर्चा दर्ज करवाया। बाकायदा 4 बजे तक हमारा धरना चला और जब हमें FIR की कॉपी मिल गई तब हमने अपना धरना समाप्त किया। और सबसे बड़ी बात की FIR हुए आज 15 दिन हो गए हैं, अब किसी भी तरह का कोई भी मामला नहीं, अब देखो अब किसी को नहीं रोका उन्होंने। हमने ये देखा है कि जितने भी गोरक्षक बने फिरते हैं उनके किसी के भी गाय नहीं है, किसी आदमी सिंगल आदमी की भी गाय नहीं बंधी हुई है। और गाय बोलते हैं कि भी गाय इस तरह गाय कट रही है या गाय, हम तो हमारा ये मानना है कि जब गाय की खरीद फरोख्त होगी, जब गाय पाली जाएंगी, जब बच्चे तैयार किए जाएंगे, बच्चे बेचे जाएंगे खरीदे जाएंगे, तभी तो गाय बचेगी ना। इस तरह थोड़ा गाय बचेगी भी आप किसी को रोक लोगे और किसी के साथ भी धक्का करोगे, इस तरह तो गाय बचेगी नहीं। और अगर आपको रोकना है तो आप बीफ की फैक्ट्रियां रोको, रोक लो ना आप बीफ की फैक्ट्रियों का आगे लगा कर बैठ जाओ धरना। बीफ में तो आप देख रहे हो कि भारत की स्थिति में पहुंच गए, छोटे सिर्फ सिर्फ और छोटे किसान को तंग करते हैं और कुछ नहीं है। संदीप जी ने जो कहानी बताई उसके अलावा जो जिन किसानों को रोका गया था हमने उनसे भी बात करी, उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से उन्हें रोका गया। पहले उनसे पैसे की मांग की गई, उनसे कहा गया कि आप 10,000 रुपये दे दीजिए, अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपको यहीं पीटा जाएगा, पुलिस को बुला लिया जाएगा, जिसके बाद पुलिस को बुलाया भी गया। और फिर पुलिस ने कहा ये तो गौ तस्कर नहीं हैं, ये तो गायों के मेले में जा रहे हैं, पशुओं के मेले में जा रहे हैं। उसके बावजूद भी ये मामला थाने में जाके पहुँचा और उसके बाद जो संदीप जी ने उनके खिलाफ़ FIR की और कार्रवाई की, अभी भी वो मांग कर रहे हैं। संदीप जी का कहना है कि जो गौरक्षक बन के घूम रहे हैं उनके खिलाफ़ हरियाणा पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो वो SP ऑफिस के बाहर कहीं कुछ दिन में धरना भी देने वाले हैं। हमने आप लोगों को बताया कि किस तरीके से अब ये नेटवर्क टोल प्लाज़ा के पास भी काम कर रहा है। एक किसान जो अपनी मेहनत से पैसा कमाता है और वो गाय को किसी काम से लेकर जा रहा है, हो सकता है कि वो खरीद के ला रहा हो, उससे हज़ारों रुपए की डिमांड की जा रही है और पुलिस प्रशासन भी ऐसा आरोप लगा रहे हैं वहाँ के लोग की सहयोग नहीं कर रहा है। अब आप लोगों को थोड़ा कानून भी समझाते हैं जिसका इस्तेमाल कर ये गौ रक्षक लोगों को रोकते हैं। हरियाणा गौ वंश संरक्षण एंड गौ संवर्धन एक्ट क्या है जिसका इस्तेमाल वहाँ के जो गौ रक्षक हैं वो कर रहे हैं, आइए आपको एक्सपर्ट से ये समझवाते हैं। ये जो एक्ट है ये 2015 में लाया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा। इसका जो ऑब्जेक्टिव था एक्ट लाने का वो ये था कि जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं हरियाणा की गाय की, एक तो उनकी डेवलपमेंट हो और एक जो काउ स्लॉटर जो हम कहते हैं वो बंद करने के लिए ये एक्ट लाया गया था। मगर इसमें जो ऑब्जेक्टिव था उससे काफी ज्यादा इसका स्कोप बढ़ा दिया गया है। जो लॉ लाया गया था वो सिर्फ इतना था कि
बीफ बैन आप कह सकते हैं, बहुत ही सिंपल शब्दों में कि बीफ बैन करना है या काउ स्लॉटर बैन करना है, इसका गाय को मार के उसको बेचना बैन करना है। मगर जो जो अब इसका स्कोप हो गया है वो बहुत ज्यादा और वाइड हो गया है। ये 2021 में हरियाणा गवर्नमेंट सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें उन्होंने एक स्पेशल टास्क फोर्स सेटअप किया था जिसको वो कहते हैं स्पेशल काउ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल पे सेटअप किया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की टास्क फोर्स है उसमें 6 तो ऑफिशियल मेंबर्स हैं जैसे डीसी, एसपी, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, मगर 5 जो हैं वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं। इनमें से 3 हैं जो गौ सेवा आयोग के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं और 2 हैं जो डीसी नॉमिनेट करते हैं, सो कॉल्ड रिनाउंड गौ रक्षक जो होते हैं उस डिस्ट्रिक्ट के, उनको नॉमिनेट करते हैं ये उस टास्क फोर्स में। तो जो ये टास्क फोर्स है दिस हैज एक्टेड एज अ लाइसेंस, मतलब इससे उनको लाइसेंस मिल जाता है कि हम देखिए स्टेट की टास्क फोर्स के मेंबर हैं। तो उसके अराउंड बहुत सारे जो 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनके अराउंड बहुत सारे और ऐसे गौरक्षक जुड़ जाते हैं उनके साथ, जो बहुत बार अब हमने इतने इंसिडेंट्स देखे हैं। मतलब मेरे ख्याल से ये शुरू हुआ था, सबसे पहला जो इंसिडेंट बाहर निकल के आया था वो था अखलाक का, उसके बाद बहुत से और इंसिडेंट्स हुए हैं, जुनैद का, पहलू खान का, वारिस खान का भी। मेवाट रीजन में ये एक्चुअली काफी ज्यादा इंसिडेंट्स सामने आए हैं ऐसे, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी, जहाँ पे कैटल सिंपली ट्रांसपोर्ट हो रहा है या फिर घर में किसी ने अपने गाय पाली हुई है तो वहां पे रेड डाल रहे हैं जो गौरक्षक, और कह रहे हैं कि हम टास्क फोर्स के मेंबर्स हैं तो हमें लाइसेंस है यहाँ पे सीजर करने का, यहाँ पे रेड डालने का, पुलिस को इन्फॉर्म करने का। उसमें क्या होता है कि काफी बार ऐसी रेड के दौरान या फिर जब ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं सिंपली अपने ट्रेड के लिए, तो उसके दौरान काफी बार उनको ये जो गौरक्षक है मिलके इस एक्ट की लेकर हेल्प लेकर काफी हमने देखे हैं कि वो लिंचिंग के मामले बन जाते हैं। मतलब काउ विजिलेंटिज्म से वो गौरक्षा से बढ़कर वो मॉब लिंचिंग के मामले बन जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से जो ये टास्क फोर्स सेटअप हुई है हरियाणा सरकार ने की है 2021 में, इसमें एक्ट का बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल हो रहा है। इस ये जो टास्क फोर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल की टास्क फोर्स है आप उनके, क्योंकि अगर मेंबर्स देखेंगे ये वही लोग हैं जो अपने आप को बहुत सारी गौरक्षा कमिटीज, जो अनऑफिशियल गौरक्षा कमिटीज से पहले संबंधित थे, अब वो इन ऑफिशियल टास्क फोर्स के मेंबर्स बन गए हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस मामले में जो भी कोई अपडेट होगी हरियाणा से लेकर राजस्थान से लेकर, हम आप लोगों तक लेकर आते रहेंगे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।